नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 वर्सेस Infinix Note 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.74 इंच जबकि Infinix Note 11 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Infinix Hot 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 3.06 इंच जबकि Infinix Note 11 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Infinix Hot 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Infinix Hot 10 में 0.35 इंच जबकि Infinix Note 11 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Infinix Hot 10 में 204 ग्राम्स जबकि Infinix Note 11 में 184.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Infinix Hot 10 में IPS LCD जबकि Infinix Note 11 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Infinix Hot 10 में 20:5:9 जबकि Infinix Note 11 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.78 इंचेस जबकि Infinix Note 11 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Infinix Hot 10 में 720x1640 और Infinix Note 11 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Infinix Hot 10 में 82.34% जबकि Infinix Note 11 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Infinix Hot 10 में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Infinix Note 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Infinix Note 11 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Infinix Hot 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix Note 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Infinix Hot 10 में Mali G52 जबकि Infinix Note 11 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Infinix Hot 10 में MediaTek Helio G70 और Infinix Note 11 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Infinix Note 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Infinix Note 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Infinix Hot 10 में अप टू 256GB जबकि Infinix Note 11 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Infinix Hot 10 में Android V10 Q जबकि Infinix Note 11 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Infinix Hot 10 में 5200 mAh जबकि Infinix Note 11 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Infinix Hot 10 में 4 कलर्स जबकि Infinix Note 11 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें इन्फिनिक्स नोट 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में दो फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 11 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में इन्फिनिक्स नोट 11 आगे है, मेन कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 11 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन्फिनिक्स हॉट 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।